हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लूड मैकेनिक्स के बारे में, जो कि इससे पहले लेक्चर में हमने इसकी शुरुआत की थी। और उसमें हमने ये देखा था कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूड और जो फ्लूड की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूड की, उसके बारे में हमने देखा था। जैसे आपकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और कंप्रेसिबिलिटी, वहाँ तक हमने एंड किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी प्रॉपर्टीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करते हैं आज की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो अगर हम बात करें आपके एक प्रॉपर्टी की जिसको आप बोलते हो सरफेस टेंशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स और कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं सरफेस टेंशन को, कि क्या है ये प्रॉपर्टी। तो जैसा ही अगर आप इस वर्ड से देखें सरफेस टेंशन, नाम यहीं से आ जाता है कि ये है आपकी सरफेस, मतलब ये जो है सरफेस टेंशन, इट इज़ ए सरफेस फिनोमिनन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसको डिफाइन करने की, इट इज़ ए सरफेस फिनोमिनन, मतलब यह सरफेस की एक प्रॉपर्टीज़ है। सपोज आपकी कोई फ्री सरफेस है एयर के कांटेक्ट में, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन्स डेवलप्ड होती है। कोई इंटरफेस है, वहाँ पे भी हम सरफेस टेंशन को देखते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सरफेस टेंशन है इसका बेसिकली रीज़न क्या होता है और उस रीज़न को हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक फ्री सरफेस या एक फ्री या एक स्टैटिक लिक्विड को कंसीडर करते हैं। सपोज़ हम कंसीडर करते हैं एक स्टैटिक लिक्विड को इस तरह से। तो अगर मैंने एक कंसीडर किया स्टैटिक लिक्विड इस तरह से, आपका कोई भी स्टैटिक लिक्विड है, और मैंने यहाँ पे एक सरफेस को मार्क किया, ये आपकी फ्री सरफेस है। तो अब हम पहले यह समझते हैं कि जो सरफेस टेंशन है उसका मेन रीज़न क्या है और ये किस प्रकार से आपकी जनरेट होती है। तो सपोज़ इस स्टैटिक लिक्विड में हमने क्या किया, हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया ए, और इस मॉलिक्यूल ए को जब हम देखते हैं तो इसके जो चारों तरफ है इसके जैसे सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये आपके सपोज़ ये मैंने चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए ये आपके सेम मॉलिक्यूल्स हैं, और जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स, हम आगे और डिस्कस करेंगे और अभी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली हम दो प्रकार के फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं, एक आपका होता है अडहेसिव फोर्स और एक आपका होता है कोहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, और कोहेसिव फोर्स का मतलब आपका है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स। तो ये तो अभी तक डेफिनेशन है, आगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने जैसे ही इस मॉलिक्यूल्स ए को आपके एक लिक्विड के बीच में कंसीडर किया, तो इसके जैसे कई सारे मॉलिक्यूल्स एक पेरिफेरी बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को ये वाला मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके अपोजिट में भी एक और मॉलिक्यूल्स होगा, वो भी इसको इस तरह से अट्रैक्ट करेगा अपनी ऑफ। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसके अपोजिट वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्रकार से इसके चारों तरफ आपका एक फोर्स इन्फ्लुएंसेस बन जाता है। और अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल्स ए की, तो इस मॉलिक्यूल्स ए पे जितने भी रिजल्टेंट फोर्स लगेंगे, कोहेसिव जितने भी रिजल्टेंट फोर्स लगेंगे, वो आपके हो जाएंगे जीरो। मतलब यहाँ पे कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इसके जैसे कई सारे पार्टिकल्स इसको चारों तरफ से सराउंडेड हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो पार्टिकल होगा ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, सारे फोर्सेस जीरो होंगे, तो आपका ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। लेकिन बात अगर हम करें सरफेस की, तो सरफेस की बात करने के लिए हम एक और मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स मैंने सपोज मानिया बी, और इसके ऊपर अगर सपोज हम मान एयर को, और यहाँ पे आपका कोई भी लिक्विड है, तो इस बी के भी आपके चारों तरफ एक पेरिफेरी होगी जो कि इसके मॉलिक्यूल से घिरे हुए होंगे, और इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और इसके चारों तरफ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपका ये इन्फ्लुएंसेस बनेगा इस तरह से। तो अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे आपको दिखता है कि यहाँ पे अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करूँ तो ये रिजल्टेंट फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जहाँ पर ये फोर्स सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड मतलब अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, अगर इसको हम बात करें, ये आपका है अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, ये आपका यहाँ पे डेवलप्ड हो जाता है, और इसको कैंसिल करने के लिए कोई भी आपका फोर्स नहीं है ऊपर। हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एयर के साथ, लेकिन इसके
कंपैरिजन में वो काफ़ी वैल्यूज़ कम होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स कभी भी इस सरफेस पर जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स होगा। उस वजह से क्या हुआ, इस अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स इट विल ट्राई टू पुल अप द सरफेस, यह सरफेस को अपनी नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे इस सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो जाती है और इसी टेंशन की वजह से इस सरफेस पे एक पतली एक थिन मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन होता है, एक निर्माण हो जाता है और उसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो बेसिकली इसको समराइज करें कि जो सरफेस टेंशन है उसका रीज़न क्या है, तो सरफेस टेंशन का केवल एक ही मेन रीज़न है, इट इज़ ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। तो अगर हम बात करें जो सरफेस टेंशन के रीज़न की, तो आपका रीज़न है इट इज़ ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि जो सरफेस टेंशन है उसका मेन रीज़न क्या है, तो उसका मेन रीज़न आपका होगा इट इज़ ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। तो दूसरा अगर सरफेस टेंशन की बात करें, पहला तो हमने रीज़न देखा था कि इट इज़ ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, दूसरा अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन क्या है, इट इज़ ए लाइन फोर्स, मतलब सरफेस टेंशन इज ए लाइन फोर्स। और इसको किस प्रकार से हम एक्सप्रेस करते हैं, सरफेस टेंशन को हम सिग्मा सिंबल से दिखाते हैं, इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ में हम इसको डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बन सकता है कि जो इसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट आपकी होगी न्यूटन और लेंथ आपका हो गया मीटर, इट इज़ फोर्स है लेकिन इसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है, इट इज़ ए लाइन फोर्स, इट इज़ फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। अब वो लेंथ किस प्रकार से हो सकती है हम देखेंगे आगे, अगर किसी ट्यूब में है उसमें हम किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो लाइन है वो एक पेरीमीटर काउंट होती है, तो न्यूटन पर मीटर ये जनरली पूछा जाता है। उसके बाद इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी हम देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि कई बार उसके बारे में भी बात की जाती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालें, तो न्यूटन को अगर आपको डायरेक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं है तो न्यूटन को भी हम लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन से सपोज, और मीटर आपका हो गया एम, मास हो गया केजी और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर आपका एक लेंथ मीटर। तो यहाँ से अगर हम बात करें मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, केजी केजी को आप लिखते हो एम वन से और सेकंड को आप लिखते हो टी टू से, तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम वन टी माइनस टू। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम वन टी माइनस टू, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करें, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो सरफेस टेंशन है उसको हम किस और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो सरफेस टेंशन को हम दिखाते हैं सिग्मा को इट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। कई बार आपको अगर ये ऑप्शन भी दिखता है तो सरफेस पर कितनी पर यूनिट एरिया में एनर्जी है वो भी आपकी एक तरह से सरफेस टेंशन से डिफाइंड होती है। और अगर हम बात करें सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस टेंशन में कई बार डेटास के ऊपर भी हम कुछ बात करते हैं, तो सरफेस टेंशन में अगर हम बात करें सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वैल्यू होती है 0.03736 न्यूटन पर मीटर। और अगर हम मरकरी की बात करें, अगर हम मरकरी की बात करें एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ 0.51 न्यूटन पर मीटर। ऑब्वियसली बात है कि जो सरफेस टेंशन है मरकरी की वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस हैं वो वाटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहीं कोहेसिव फोर्स अनबैलेंस ज़्यादा होने की वजह से वो पुल ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी वो ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होगी और इसी प्रकार से सरफेस टेंशन भी आपकी ज़्यादा होगी। कई बार क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेंसाइल फोर्स, सरफेस पर जो टेंसाइल फोर्स लगता है उसका रेजिस्ट करती है, तो सरफेस टेंशन है वो आपकी जो टेंसाइल फोर्स है उसको रेजिस्ट करती है, और ये वैल्यूज़ आपको बताते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। और हमने ये बताया था कि इसके ऊपर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में सरफेस टेंशन का हो सकता है कि जैसे ही यहाँ पे मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन हुआ, एक सरफेस पे एक मेम्ब्रेन बहुत पतली मेम्ब्रेन झिल्ली बन जाती है जो कि एक बहुत स्मॉल लोड को सहन कर सकती है, सपोज़ सुई है निडल है उसके तक वेट को आप इसको सहन कर सकती है। या तो अगर हम कंसेप्ट देखें किसी भी डूबने का कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में कब डूबता है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है, तो अगर हम निडल की बात करें तो निडल के मटेरियल की ऑब्वियसली डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब उसको डूब जाना चाहिए था, लेकिन जो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से वो उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है क्योंकि वहाँ पे एक मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, डेटाज हैं जो सरफेस टेंशन के लिए आप इसको देख सकते हैं। आगे और हम देखते हैं कि क्या क्या सरफेस टेंशन के बारे में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बन सकते हैं।
और आगे हम इफेक्ट्स के बारे में अगर बात करें कि जो सरफेस टेंशन है उस पर किन किन चीज़ों का इफेक्ट होता है, उसको कम या ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो उसके सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जनरली जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं या जो कोहेसिव फोर्सेज होते हैं वो वीक होंगे, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो आपकी सर्फेस टेंशन है इट इज़ ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, तो वो वैल्यूज़ कम होने से सर्फेस टेंशन की वैल्यूज़ भी आपकी कम होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाते हैं सर्फेस टेंशन आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सर्फेस टेंशन डिक्रीजेस। दूसरा, सरफेस टेंशन की बात की जाती है, अगर हम किसी भी लिक्विड में कोई भी सोल्यूबल, सपोज आपका सॉल्ट है, उसको ऐड करें तो सरफेस टेंशन कम होगी या ज़्यादा होगी। तो जनरली अगर हम सोल्यूबल यानी सॉल्ट वगैरह को अगर पानी में, मतलब घुलनशील होना चाहिए, उसको अगर हम पानी में ऐड करते हैं वाटर में, तो जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है, कई बार पूछा हुआ है। और तीसरा आपका सर्फेक्टेंस, सर्फेक्टेंस का मतलब आपका जो आप वॉश करते हो क्लोथ्स वगैरह को, वो सर्फ है, साबुन है, जो भी, उसको सर्फेक्टेंस बोलते हैं। और सर्फेक्टेंस का काम क्या होता है, इट विल मिनिमाइज द सरफेस टेंशन, इट विल रिड्यूस द सरफेस टेंशन, जिसके कारण आप जो क्लॉथ्स है उसको इजीली वॉश कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया इस तरह से, क्लॉथ के फाइबर्स अब मैग्नीफाई करके हमने देखा, तो जनरली क्या होता है, इधर आपकी एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, और अगर इस सरफेस टेंशन है तो यहाँ अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो वाटर जो है इसके अंदर इजीली से पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जिससे आपकी गंदगी हो सकता है बाहर नहीं निकले। जैसे ही आप सर्फेक्टेंस को यूज़ करते हो, ये सर्फेक्टेंस क्या करता है, ये सर्फेक्टेंस इसकी सर्फेस टेंशन को डिक्रीज कर सकता है, और जिससे सरफेस टेंशन का जो अमाउंट है वो कम हुआ, और जो पानी है, जो वाटर है, इट विल ईजिली पेनिट्रेट दिस होल, जिससे आपकी जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। तो सर्फेक्टेंस को भी हम यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, जो कि सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सरफेस टेंशन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस आता है कि जो ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप में क्यों होती हैं, तो जनरली इसका रीज़न सरफेस टेंशन ही है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है, और एक स्फेयर के लिए सरफेस एरिया बहुत ही मिनिमम होता है, जिसकी वजह से जो ड्रॉपलेट है या बबल है वो हमेशा किस शेप में रहता है, स्फेरिकल शेप में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो स्फेरिकल शेप है वो किस वजह से होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन की में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस किया जाता है, विच इज़ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट इन एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अभी हमने बात की थी कि जो सरफेस टेंशन की वजह से जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि वो सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है, पर इस वजह से तो जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जीरो भी हो सकता था, लेकिन जो ड्रॉप है वो एग्जिस्ट करती है, या जो बबल है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। वो किस वजह से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक प्रेशर होता है। तो अगर हम बात करें एक इस ड्रॉपलेट की, तो सपोज ये ड्रॉपलेट है इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये ड्रॉपलेट है, तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो जाना चाहिए था, सरफेस टेंशन एक लाइन फोर्स होता है, इस तरह से सरफेस टेंशन की वजह से आपकी जो ड्रॉपलेट है वो मिनिमम होते होते कम होती जाएगी, लेकिन इसके अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या करेगा, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। यहाँ का जो प्रेशर है पी, इसको एक्सटेंड, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इस प्रेशर फोर्स की जो वैल्यू है उस सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अपोजिट नेचर के हैं। तो इस कंडीशन में जो आपका एग्जिस्टेंस है किसी भी स्फेयर का, किसी भी ड्रॉपलेट या किसी भी बबल का, वो एग्जिस्ट करता है। बात आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि कितना प्रेशर बाहर की तुलना में, के मतलब है कि बाहर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हम हमेशा जो भी कंपैरिजन करते हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से करते हैं, क्योंकि वो आपका सिस्टम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा हुआ है। हम आगे जब प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर है उसको किस किस प्रकार से आप जानते हो, क्या क्या नाम से हम उसको समझते हैं, किस किस प्रकार के प्रेशर्स की बात की जाती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी हाल फिलहाल बात की जाती है कि इसके अंदर का प्रेशर कितना होगा, तो एक लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखा इसके एक पार्ट को, इस तरह से आपका सपोज इसका एक पार्ट हुआ, और इस पार्ट की अगर हम बात करें तो इस पार्ट पे हमने देखा था तो दो फोर्स होंगे, एक सरफेस टेंशन का फोर्स होगा। तो सरफेस टेंशन क्या है, एक लाइन, एक टेंजेंशियल फोर्स है। तो इस प्रकार से सरफेस टेंशन की वैल्यूज होगी इस पूरी पेरीमीटर में, क्योंकि हमने बात किया था कि जो सरफेस टेंशन है इट इज़ ए लाइन फोर्स। इस पूरी पेरीमीटरी में आपकी सिग्मा, ये सब सिग्मा है, ये सारी सरफेस टेंशन है, और एक प्रेशर होगा, वो आपको पता है कि जो प्रेशर होगा उस प्रेशर की डायरेक्शन आपकी इसके इस तरफ होगी प्रेशर।
तो लेकिन बराबर हम सरफेस टेंशन और प्रेशर को नहीं करते, कभी भी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की जाती है तो आप हमेशा फोर्स को बराबर करते हो। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन की, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रेशर फोर्स होगा किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर। प्रेशर फोर्स की अगर हम बात करें, हम आगे भी डिस्कस करेंगे प्रेशर को कैसे हम डिफाइन करते हैं। प्रेशर आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ के मतलब प्रेशर फोर्स है। तो यहाँ अगर हम बात करें प्रेशर फोर्स आपका एफ पी और सरफेस टेंशन फोर्स एफ एस। सरफेस टेंशन फोर्स को हमने दिखाया था, सरफेस टेंशन होगा एफ एस अपॉन में लेंथ एल। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम फोर्स को कैलकुलेट करें तो प्रेशर फोर्स की वैल्यू होगी प्रेशर इंटू एरिया और सरफेस टेंशन होगी आपकी सिग्मा इंटू में एल। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये प्रेशर वही प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है जो अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा पी। अगर एरिया की बात करें ये जो प्रेशर है ये इस पूरे सरफेस एरिया, इस पूरे एरिया पे लगेगा। अगर इसका डायमीटर आप डी कंसीडर करते हो, इसका डायमीटर अगर हम डी कंसीडर करते हैं तो ये एरिया हो जाएगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर डी स्क्वायर सिग्मा। लेंथ मैंने आपको अभी भी बात की थी कि ये जो सरफेस टेंशन है ये इस स्ट्रेसेसफेयर, तो यहाँ 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 ये सब सरफेस टेंशन होंगी और एक पेरीमीटर पे काम करेंगी और इस पेरीमीटर की वैल्यू आपको पता है। अगर इसका डायमीटर डी है तो इट इज़ पाई इंटू में डी, सॉरी स्मॉल डी, तो डी से ये एक डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पाई कैंसिल हुआ। तो यहाँ से अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की वैल्यू आएगी फोर सिग्मा अपॉन में डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि जो प्रेशर है अंदर ड्रॉपलेट के केस में वो क्या होगा, डायमीटर है तो फोर सिग्मा अपॉन डी, और कई बार रेडियस की टर्म्स में भी पूछता है तो हम निकाल सकते हैं फोर सिग्मा और रेडियस, डायमीटर को आप 2 इंटू आर कर सकते हो तो 2 सिग्मा अपॉन आर, दोनों वैलिड हैं। पर कई बार कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि 2 सिग्मा आना चाहिए या 4 सिग्मा आना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि नीचे आप डायमीटर लेते हो या रेडियस लेते हो। क्योंकि इसके बाद हम बात करते हैं जब बबल की, बबल के केस में भी देखा जाता है कि जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से कितना ज़्यादा है, उस केस में क्या हो जाता है वो हम देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल आपको याद करना है कि 4 सिग्मा अपॉन डी एक ड्रॉपलेट के केस की बात करते हैं और बात करते हैं 2 सिग्मा अपॉन आर किसके बात में, आपकी जो है स्फेयर के केस में। दूसरा अगर हम देखें एक ड्रॉपलेट, एक बूंद, बूंद के साथ साथ एक बबल, एक बुलबुले की भी बात की जाती है, तो बुलबुले के केस में अगर हम ड्रॉपलेट से इसको डिफ्रेंशिएट करें, ड्रॉपलेट पूरी सॉलिड होती है, उसमें जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में एक ही सरफेस होती है, लेकिन आपका जो बबल होता है, जो बुलबुला होता है, वो अंदर भी आपका एयर होता है और बाहर भी एयर होती है। तो इसका मतलब उसकी दोनों सरफेसेस अंदर और बाहर आपकी सरफेस टेंशन का इफेक्ट रखती हैं। तो यहाँ पे जस्ट जो सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। इसीलिए जो प्रेशर की वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो अगर हम बात करें एयर के केस में, एयर सॉरी अगर हम बात करें बबल के केस में, तो यहाँ आप ध्यान रखना बबल के केस की अगर हम बात करें तो बबल के केस में जो प्रेशर होगा वो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, डबल। तो इट इज़ 2 इंटू 4 सिग्मा अपॉन डी, तो पी बराबर आपका 8 सिग्मा अपॉन डी इन केस ऑफ आपका बबल। तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखना, बबल के केस में 8 सिग्मा अपॉन डी, और अगर इसको आप रेडियस में लिखते हो तो इट इज़ 4 सिग्मा अपॉन में आर। दोनों के केस में हम ये वैल्यूज फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। चलिए प्रेशर की जो अभी बात की थी उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.05 mm, इफ़ द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट इज 0.6 किलो पास्कल हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन फाइंड द सरफेस टेंशन। बात की जा रही है ड्रॉपलेट की, ड्रॉपलेट के इसमें हमने भी डिस्कस किया था। ड्रॉपलेट की अगर हम बात करें तो ड्रॉपलेट के केस में हमने डिस्कस किया जो एक्सेस प्रेशर है इट इज़ 4 सिग्मा अपॉन में डी। आपसे पूछा गया है कि जो सरफेस टेंशन है वो कितनी होगी, तो यहाँ से सरफेस टेंशन पी इन टू डी अपॉन में 4। अगर हम बात करें प्रेशर की तो प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.6 किलो पास्कल, 0.6 किलो पास्कल मतलब 10^3। डायामीटर आपको दिया हुआ है, इट इज़ डायामीटर आपको 0.05 mm, 0.5 mm मतलब 10^-3, और इसको मैंने डिवाइड किया 4 से, तो ये वैल्यू कैंसिल होके जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इट इज़ 7.5 इंटू 10^-3, और सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, इट इज़ न्यूटन पर मीटर।
इस प्रकार से काफ़ी सिंपल है इसके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर यही केस आपका बबल के केस में होता तो बबल की बात अगर हम करते तो बबल के केस में जो प्रेशर है इट इज़ 8 सिग्मा अपॉन डी, इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जहाँ तक सरफेस टेंशन की बात है तो सरफेस टेंशन में एक और टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, वो टॉपिक आपका होता है वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग ए सरफेस। मतलब किसी भी एक सरफेस को स्ट्रेच करने में, किसी भी लिक्विड की सरफेस को स्ट्रेच करने में आपको कितना वर्क डन करना होता है उसके बारे में। तो आपका टॉपिक है वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग, वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग ए लिक्विड सरफेस, वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग ए लिक्विड सरफेस। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज ये आपकी कोई भी सरफेस है लिक्विड की, आप क्या करना चाहते हो, इस सरफेस को स्ट्रेच करना चाहते हो बाई यूजिंग ए फोर्स एफ, इसको यूजिंग फोर्स एफ से स्ट्रेच करना चाहते हो। और हमें ये क्लियर है कि यहाँ पे जो आप इसको एफ लगा के स्ट्रेच करना चाहते हो किसके अगेंस्ट करना होगा, सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये जो F फोर्स आपने लगाया तो इसमें जो स्ट्रेच हुआ वो सपोज इतना स्ट्रेच हुआ डेल्टा X, ये स्ट्रेच हुआ आपका डेल्टा X, और ये जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाता है, सरफेस टेंशन के फोर्स के बराबर, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हम काम करते हैं। तो वर्क डन, कभी भी आपने देखा होगा क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वर्क डन को आप डिफाइन करते हो W और इट इज़ फोर्स इंटू डिस्टेंस, इट इज़ फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसकी विड्थ मैंने मान ली सपोज बी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन आपका हो गया फोर्स, फोर्स ये सरफेस टेंशन वाला ही फोर्स है एफ एस, और डिस्टेंस आपकी डेल्टा एक्स। और सरफेस टेंशन फोर्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, अगर इस जो आपका लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन हमने ली सिग्मा, तो सिग्मा बराबर एफ एस अपॉन एल, और एफ एस बराबर हो जाएगा डब्लू, एफ एस की जगह आप लिख सकते हो इट इज़ सिग्मा इंटू एल इंटू में डेल एक्स। एल या बी, इसको अगर एल मान लेते हैं, एल लेंथ मान लेते हैं क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो इस पूरी लेंथ में ही होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो एल इंटू डेल्टा एक्स, हम बात करें एल इंटू डेल्टा एक्स, तो आप एल इंटू डेल्टा एक्स को क्या कह सकते हो, डेल्टा एक्स तो ये है और एल आपकी ये डायमेंशन, तो ये जो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया या इसको हम बोलते हैं स्ट्रेच्ड एरिया, इसको आप बोलते हो स्ट्रेच्ड एरिया। तो इसकी बात करें स्ट्रेच्ड एरिया की तो एल इंटू डेल्टा एक्स या इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला आपका बन जाता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको याद रखना है वर्क डन कभी भी आपको निकालना है तो सरफेस टेंशन पता होनी चाहिए उस फ्लूड की या उस लिक्विड की, और एरिया में कितना चेंजेस आया वो, अगर ये दो चीज़ आपको पता है तो हम वर्क डन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कई सारे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एक बबल है, एक ड्रॉपलेट है या एक बबल है, उसको ब्लो करने में हम कितना वर्क डन लगाते हैं, सपोज जीरो से हम 12 सेंटीमीटर डायमीटर तक इसको ब्लो किया तो चेंजेस कितना आया सरफेस में, 12 डायमीटर से आप एरिया निकालोगे और उस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आपका बबल जिससे भी बना हुआ है उसकी सरफेस टेंशन से। तो दो चीज़ें याद रखनी है, सरफेस टेंशन और गुणा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो वहाँ से हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को और आगे हम बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसको आप बोलते हो कैपिलरिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको डिफाइन हम कैसे करें। कैपिलरिटी आपने कई बार सुना होगा, कैपिलरिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैपिलरिटी द राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए स्मॉल ग्लास ट्यूब व्हेन इट इज़ इमर्ज्ड इनसाइड इट। तो किसी भी ग्लास ट्यूब में लिक्विड का राइज होना या उसका फॉल होना जो फिनोमिनन है वो आपका कैपिलरिटी कहलाता है। फिर आगे बात की जाती है कि जो राइज है या जो फॉल है वो किस वजह से होता है, तो राइज इट इज़ ड्यू टू एडहेसिव फोर्स और जो फॉल होता है इट इज़ ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अगर हम बात करें डेफिनेशन की कैपिलरिटी की, द राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ग्लास ट्यूब एंड इट इज़ इमर्ज्ड इनसाइड इट, Rise is due to adhesive force and fall is due to cohesive force. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो adhesive force है और cohesive force है, लेकिन उसके साथ साथ में हम अभी ये डिस्कस करते हैं कि जो वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज हमने एग्जाम्पल्स लिया adhesive का, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया वाटर का,
वाटर हमने सरफेस कंसीडर की, एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस आपकी ये है, एक सरफेस हमने सेम सरफेस है लेकिन लिक्विड आपके चेंज है। हमने एक एग्जांपल लिया वाटर का, तो वाटर जैसे ही इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो फैलना शुरू कर देगा। क्यों शुरू करेगा? क्योंकि जो वाटर है उसमें एडहेसिव फोर्स कंपैरिजन करें कोहेसिव फोर्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे फैलना शुरू होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और एक कंडीशन आपकी इस तरह से होगी और ये जो एंगल बनेगा इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो इन तरह के लिक्विड्स को हम बोलते हैं वेटिंग लिक्विड्स, आपका एग्जांपल हो सकता है वाटर का। दूसरा हम एग्जांपल लें आपकी कोहेसिव फोर्स की, तो जनरली जो मरकरी है उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होते हैं, तो हमने मरकरी को लिया। मरकरी जैसे ही इस सरफेस के ऊपर आएगा वो उस सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स। तो इस वजह से कोहेसिव फोर्स की वजह से ये इसकी जो शेप होगी इसी तरह की बनी होगी और ये एंगल की बात करें तो ये एंगल आपका जो होगा इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जहां पे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो इस तरह के लिक्विड को हम बोलते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। मरकरी की अगर आप अपनी हाथ पे रखोगे तो आपको कोई भी गीलापन महसूस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो हाथ के प्रति आपका अट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो खुद में ही अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर वाटर की बात करें इट विल वेट योर हैंड सरफेस। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स की बात की जाती है। दूसरा कैपिलरिटी में बात की जाती है कि जो राइज है उसका फॉर्मूला क्या होगा। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो फटाफट हम देखेंगे। डिटेल में भी डेरिवेशन समझाया जाता है लेकिन अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन तभी भी अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं कि जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो राइज का फॉर्मूला है उसको कैसे डिफाइन करते हैं और साथ में हम देखते हैं आपका एग्जांपल में। हमने कहा था कि जो कैपिलरिटी है वो क्या है। कैपिलरिटी है एक, अगर किसी भी लिक्विड में, इस तरह लिक्विड में आपने, सपोज़ हम एग्जांपल वाटर का ही ले लेते हैं, आपने एक स्मॉल डायमीटर की ग्लास ट्यूब को इंसर्ट किया इस तरह से, तो ये जो वाटर है इस ट्यूब में राइज होना शुरू कर देगा। तो जनरली ये जो डायमीटर है ये जनरली आपका 10 mm से कम होना चाहिए, तभी आपका इस कैपिलरिटी का इफेक्ट आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा होते ही आपका ये इफेक्ट नहीं आएगा। तो जनरली इसका डायमीटर होगा इट इज़ लेस देन 10 mm। मैंने बात की थी कि जो वाटर के केस में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड आपका राइज करेगा। राइज क्यों करेगा? क्योंकि जैसे ही ये ट्यूब इस वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगी, एडहेसिव फोर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ राइज करना शुरू करेगा। यहाँ पे हुआ, इसको और आगे पार्टिकल मिला, ये पार्टिकल ग्लास के इसको आगे मिलते गए और ये राइज होना शुरू करता गया और ऊपर की तरफ जाता गया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस कंडीशन में ये आके रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि जैसे ही ये ऊपर जाता जाएगा इसका वेट बढ़ता जाएगा और वेट वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, एक सरफेस का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये सरफेस आपकी इस तरह से होगी, इसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। ये सरफेस आपकी इस केस में इसलिए ऐसी होगी, इस तरह से ऐसी होगी क्योंकि आपके जो अट्रैक्शन है वो यहाँ ज़्यादा होंगे बजाय सेंटर में, तो ये इस तरह से होगा और यहाँ पे आपका एक फोर्स बनेगा टेंजेंट और ये एंगल हम डिफाइन करते हैं थीटा से और ये सपोज हाइट मैंने मान ली h। इसी को हमें डिस्कस करना है, h को उसको किस प्रकार से डिस्कस करें। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, बेसिक फॉर्मूला यही निकाला जाता है, दो तरह के फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक तो वेट होगा जो नीचे की तरफ काम करेगा और जब इस सरफेस का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे एक और फोर्स काम आता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। तो अगर हम बात करें कितना लिक्विड ऊपर गया, इतना लिक्विड ऊपर गया, यहाँ से एक कंपोनेंट काम करेगा वेट W और इस वेट को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा और वो कौन बैलेंस कर रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स। तो अगर हम बात करें एक सरफेस टेंशन फोर्स Fs की, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो Fs और ये एंगल थीटा, मतलब Fs का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस करेगा, वेट को। एक लाइन में हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक लाइन में फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड राइज। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स Fs cos थीटा बराबर करें वेट। वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अभी हमने स्पेसिफिक वेट पढ़ा था, इससे पहले के लेक्चर में स्पेसिफिक वेट हमने डिस्कस किया था, या और सिंपल बात करें वेट की, चलो वेट की हम बात करें, वेट आपको होता है m इनटू में g। तो वेट m, हमने डेंसिटी को डिफाइन किया था मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से मास हो जाएगा रो इंटू वी इंटू जी। तो W का आप हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा काम आएगा रो इंटू जी इंटू वी, इसको आप हमेशा याद करना, फटाफट आपका वेट कंसीडर हो जाएगा रो इंटू जी इंटू वी। तो वेट कितना हो गया, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम।
तो बात करें ये कितना वॉल्यूम राइज किया, इसकी हाइट अगर एच और इसका डायमीटर अगर हमने माना डी, तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू में हाइट। तो यहाँ से को एफ एस कैसे निकालें, एफ एस की भी अभी बात करते हैं। एफ एस हमने बात की थी, जो एफ एस है वो आपका यहाँ सिग्मा है, वो एफ एस अपॉन में लेंथ एल, तो एफ एस बराबर सिग्मा इंटू एल। तो यहाँ से एफ एस सिग्मा इंटू एल इंटू कॉस थीटा रो इंटू जी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ये जितना एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर, और इंटू वॉल्यूम इंटू हाइट हमने h माना, ये h, और सिग्मा इंटू लेंथ, ये जो लेंथ है ये जो पूरी है ये चारों तरफ से ग्लास, क्योंकि चारों तरफ से सरफेस टेंशन है तो चारों तरफ से है तो इसकी पेरीमीटर काउंट होगी, और पेरीमीटर आपकी हो जाएगी पाई इंटू में d cos थीटा रो इंटू जी इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एच अपॉन में 4। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, एक डायमीटर से एक डायमीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अगर हम बात करें h की, यही हमें निकालना था राइज, तो h बराबर आपका हो जाता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू में डी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एज इट इज़ आपसे पूछता है सरफेस टेंशन, जहाँ पे सिग्मा है वहाँ पे कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। यहाँ पे सिग्मा क्या होगा आपका, सरफेस टेंशन, सिग्मा आपका होगा सरफेस टेंशन, और यहाँ पे थीटा जो होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और डी आपका हो जाएगा डायामीटर ऑफ ग्लास ट्यूब, डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब। 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। राइज का भी फॉर्मूला यही होगा और फॉल का भी फॉर्मूला यही होगा। फॉल के केस में मरकरी, अगर यहाँ पे मरकरी होगा तो ये राइज नहीं करेगा क्योंकि ग्लास के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा, वो अपने आप में अट्रैक्ट होगा तो उस नीचे की तरफ आएगा, उससे ही हम जो उस केस में आपका जो वेट नहीं होके नीचे आया ऊपर बायोन्सी है, तो बायोन्सी जो है वो सरफेस टेंशन वाले फोर्स को बैलेंस करती है, और बायोन्सी हम पढ़ेंगे आगे कैसे प्रकार निकाला जाता है। तो बायोन्सी एक तरह से क्या है, जितना वेट आपका डिस्प्लेस्ड हुआ उसके बराबर। तो हालांकि उसका इतना मतलब नहीं है, फॉर्मूला दोनों के केस में आपका यही होगा। तो यहाँ पे सिग्मा सरफेस टेंशन, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और डी आपका डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब। इसमें हम एक निष्कर्ष निकालें कि जो एच है वो किस पे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर। डायामीटर आपका बढ़ाते जाओगे तो राइज कम होता जाएगा, डायामीटर आप कम करते जाओगे तो राइज आपका बढ़ता जाएगा। तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर। इसके बेस पे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपैरिजन, एक बार ट्यूब का डायामीटर इतना था, उसके ट्यूब के डायामीटर को इतना कर दिया तो राइज। बात इसके बारे में और आगे करते हैं कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमने अभी डिफाइन किया था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जो मेनिस्कस आपका बनता है, और मेनिस्कस है वो आपकी जो सरफेस जो ग्लास ट्यूब है उससे वर्टिकल से कितना एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको हो सकता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं दिया हो कोई न्यूमेरिकल में, तो आप कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत होती है, जैसे जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर इज 0, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। दूसरा अगर हम बात करें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑर्डिनरी वाटर, तो ये लगभग थीटा बराबर लिया जाता है 29 डिग्री। और तीसरा अगर हम बात करें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मरकरी, तो मरकरी की बात करें तो थीटा बराबर लगभग 132 डिग्री लिया जाता है। कई बार हो सकता है आपको डायरेक्ट दे दे, नहीं दे, तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। प्योर वाटर के केस में जो मेनिस्कस है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ऑर्डिनरी के केस में जो वैल्यूज़ है वो 29 डिग्री होगी, और मरकरी के केस में थीटा इज इक्वल टू 132 डिग्री। अगर आप फॉर्मूले की भी बात करें तो फॉर्मूले में जो एच 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी हमने डिस्कस किया था, मरकरी की बात करें, मरकरी के लिए थीटा की वैल्यू 132 होते ही ये वैल्यू आपकी आती है माइनस, और नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर राइज नहीं होके आपका फॉल होता है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता पड़ेगा कि किस लिक्विड में फॉल हो रहा है और किस लिक्विड में राइज होता है, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका उसी तरह से, क्योंकि प्योर वाटर या वाटर के केस में मैनिस्कस ऐसा बनता है और मरकरी के केस में आपका इस तरह से बनेगा। एग्जाम्स में भी पूछता है कि कॉनकेव होगा या कॉनवेक्स होगा, डिप्रेस्ड होगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको याद रखनी चाहिए। तो इस तरह से ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ ऐसे बनेगा, और यहाँ पे अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये ऐसे। चलो कैपिलरिटी के ऊपर एक सिंपलेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका, इफ द डायमीटर ऑफ ट्यूब इज 1 mm देन द कैपिलरी राइज इज 3 सेंटीमीटर
वॉट विल बी द कैपिलरी राइज वैन डायमीटर चेंजेस टू 0.2 mm. कहता है कि अगर डायमीटर 1 mm है, सपोज एक डायमीटर D1 अगर आपका दिया हुआ है 1 mm है, तो उस समय जो हाइट है वो आपकी 3 cm है. आगे कहता है वॉट विल बी द कैपिलरी राइज वैन डायमीटर चेंजेस टू 0.2 mm. अगर डायमीटर D2 को 0.2 mm कर दिया जाए तो जो हाइट है वो कितनी होगी. अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला था H इक्वल टू 4σ cos θ अपॉन रो इंटू जी इंटू डी. यहाँ पे सिग्मा दोनों के केस में सेम रहेगा क्योंकि लिक्विड हम चेंज नहीं कर रहे, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम रहेगा, रो सेम रहेगा, जी सेम रहेगा. तो यहाँ से एच है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. तो यहाँ से हम देखें तो एच इंटू डी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से हम रिलेशन कर सकते हैं एच वन डी वन इज इक्वल टू एच टू डी टू. एच वन आपका दिया हुआ है 3 cm, 3 cm इंटू डी वन आपको दिया हुआ है 1 mm. एच टू मुझे कैलकुलेट करना है और D2 आपको दिया हुआ है 0.2 mm. तो यहाँ से अगर H2 की बात करें तो ये H2 कैलकुलेट होके आएगा 3 × 1 और डिवाइड कर दिया 0.2. तो ये वैल्यू, ये पॉइंट हटाने के लिए आप 10 ऊपर लेके आ सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 15 cm. तो ऑब्वियसली बात है हम जब डायमीटर 1 mm से 0.2 mm करेंगे, डायमीटर को हमने कम किया तो डायमीटर मतलब ट्यूब पतली हो गई, ट्यूब पतली होने से राइज आपका बढ़ जाएगा. जहाँ पे ये 3 cm था अब वो कितना हो जाएगा 15 cm. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. आपको सरफेस टेंशन दी होगी, थीटा दिया होगा, सब कुछ दिया होगा आपसे, या तो राइज पूछेगा. अगर राइज दिया हुआ है तो हो सकता है आपसे डायमीटर पूछे या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जितने भी वेरिएबल हैं तो उस हिसाब से आपसे कुछ भी पूछ सकता है. मेन इंपॉर्टेंट है ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए. दिस इज ड्यू टू कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है H इक्वल टू 4σ cos θ अपॉन रो इंटू जी इंटू में डी.